दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये कौन सा पेंट है और ये कैसे किया जाता है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि MDF पर मेटैलिक ब्लू पेंट कैसे किया जाता है। देखिए, हमने ये MDF का छोटा सा पीस लिया है, इसी के ऊपर मैं आपको पेंट करके दिखाऊँगा मेटैलिक पेंट। MDF को न्यू बोर्ड भी कहते हैं। आप MDF की बनी हुई किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरीके से पेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेटैलिक पेंट करना है तो सबसे पहले इस MDF के ऊपर हमें रेगमाल लगाना है, 150 नंबर का रेगमाल, और टक्कर पे हमें पट्टे वाला रेगमाल लगाना है। अगर आप पट्टे वाला रेगमाल ही यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर 120 नंबर का पट्टे वाला रेगमाल यूज करें। ये MDF हमारा थोड़ा सा पानी से भीग गया था, इसलिए हम इसके ऊपर पट्टे वाला रेगमाल लगा रहे हैं। बाकी अगर आपका फ्रेश है MDF तो उसके ऊपर आप 150 नंबर का ही रेगमाल लगाएं। टक्कर पे आप पट्टे वाला रेगमाल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैंडिंग करने के बाद में इसके ऊपर हमें प्राइमर करना है। प्राइमर में हम डीको प्राइमर का प्रयोग कर रहे हैं। डीको प्राइमर, इसको पतला करने के लिए थिनर मिक्स होता है। डीको थिनर ही मिक्स होता है, 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, जितना भी आपको डालना हो डाल सकते हैं, बस पतला हो जाना चाहिए। ये वैसे तो स्प्रे गन से होता है, लेकिन हम पहला कोट इसके ऊपर ब्रश से ही मार रहे हैं। बेस हम पूरा ब्रश से बना लेंगे और उसके बाद में पेंट जो है स्प्रे गन से करेंगे। इसके हमें 2 या 3 कोट करने पड़ते हैं। अगर आप स्प्रे से करते हैं तो 2 कोट मारिए, अगर आप ब्रश से करते हैं तो 3 कोट मारिए इसके ऊपर, क्योंकि ब्रश से उतना ज़्यादा माल नहीं लग पाता है। सूखने के बाद में इसकी सैंडिंग करनी है हल्की सी, और उसके बाद में इसके ऊपर हमें पुट्टी करनी है। पुट्टी में हम डीको पुट्टी का प्रयोग करेंगे। इसमें डीको पुट्टी, जिसको कि NC पुट्टी भी बोलते हैं, देखिए डीको कंपनी की ऑटो पेंट सॉफ्ट कट पुट्टी है। ग्रे होती है ये, इसका कलर ग्रे होता है, और 1 kg की पैकिंग है। इसकी MRP है 308 रुपये। हम इसी का प्रयोग करेंगे। 2 इंच की पत्ती लेंगे और उससे पूरे MDF के ऊपर इसको खींच देंगे। इस डब्बे में आपको कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप खोलिए और सीधा इसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरीके से। इसके कम से कम 2 कोट करने पड़ेंगे हमें, ताकि इसकी नस वगैरह पूरी भर जाए। 2 कोट करने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे। 2-3 घंटे सूखने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग करनी है। सैंडिंग हमें इसकी पानी के साथ में करनी पड़ेगी, क्योंकि यह पुट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए आप इसको सूखा लगाएंगे तो निकलेगा नहीं, इसलिए पानी से रेगमाल लगाना है हमें इसके ऊपर। और रेगमाल हम 320 नंबर का यूज़ कर रहे हैं, बाकी आप 400 नंबर भी लगा सकते हैं। और इसको अच्छे दबा के मार देना है, ताकि जो एक्स्ट्रा पुट्टी हो, ऊंची नीची हो, सारी बराबर हो जाए। देखिए, इस तरीके से चारों तरफ से आपको रेगमाल लगाना है। ऐसे तो MDF के ऊपर पानी नहीं लगाना चाहिए, अगर पानी लग जाता है तो MDF ख़राब हो जाता है, लेकिन हमने इसमें प्राइमर पुट्टी कर दी है तो इसके ऊपर अभी पानी का कोई असर नहीं होगा। दूसरी साइड में जहाँ पर प्राइमर नहीं लगा है, वहाँ पर आपको बचा के रखना है, वहाँ पर पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फूल जाएगा ये MDF। ये देखिए, जैसे बैक साइड में है तो बैक साइड में आपको बचा के रखना है पानी से, और फिर इसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद में आप चाहें तो इस पर प्राइमर मार सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। हम इसमें मेटैलिक ब्लू पेंट का प्रयोग करेंगे, जो कि हाई ग्लॉस फिनिश में होगा। हाई ग्लॉस में हमने मेटैलिक पेंट बनवाया है, मेटैलिक ब्लू पेंट। बाकी आप कलर कोई भी करवा सकते हैं, कलर सारे बन जाते हैं मार्केट में। मेटैलिक पेंट स्प्रे गन से ही होगा, हाथ से या कपड़े से ये नहीं हो सकता है, इसलिए स्प्रे गन का प्रयोग करना ज़रूरी है मेटैलिक पेंट में। बाकी अगर नॉर्मल पेंट करना है तो आप चाहें तो ब्रश से कर सकते हैं, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आपको ब्रश से पेंट कैसे होता है, PU पेंट या डीको पेंट, वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो ये मेटैलिक पेंट हमारा हाई ग्लॉस में बना हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, 4-5 हाथ इसके ऊपर मारने पड़ेंगे, तब इसकी सेटिंग होगी पूरी। चलिए, मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ 4-5 हाथ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, हमने लगभग इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें इसके ऊपर क्लियर कोट अप्लाई करना है। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, किस तरह की फिनिशिंग है, मेटैलिक फिनिश है इसमें, मेटैलिक ब्लू। ये देखिए, इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करना होता है हमें। अप्लाई करने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे, कम से कम 4-5 घंटे सूखने के बाद में हम इसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई करेंगे, जो कि हाई ग्लॉस फिनिश में होगा। देखिए, अभी हमारा पेंट हो चुका है, अब इसको सूखने देते हैं, उसके बाद में हम इसके ऊपर क्लियर कोट अप्लाई करेंगे शाइनिंग के लिए। देखिए, अभी ये सूख चुका है हमारा, अब हम इसके ऊपर क्लियर कोट अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर कोट के भी आपको 1 या 2 कोट करने होते हैं। अगर 1 कोट में सेटिंग नहीं होती है तो इसके ऊपर आप डबल मार सकते हैं सूखने के बाद में, इसकी सैंडिंग करके हल्की सी। और इसके ऊपर कंपाउंड भी किया जा सकता है, अगर आपको ज़्यादा बढ़िया फिनिशिंग चाहिए तो आप इसके ऊपर कंपाउंड कर सकते हैं।
कंपाउंड करने के लिए कम से कम 48 घंटे तक इसको सुखाना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम इसके ऊपर कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंड कैसे करते हैं उसकी वीडियो आपको अलग से मिलेगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब भी वह वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी तो हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हाई ग्लॉस फिनिश में हो चुका है पूरा, देख सकते हैं आप मेटैलिक ब्लू इस तरह की फिनिशिंग है इसकी, बिल्कुल हाई ग्लॉस फिनिश है ये। इस पर हमने एक वीडियो और बनाया है जिसमें हमने सिल्वर कलर किया है, चांदी वाला कलर किया है, ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये पूरा फिनिश नहीं है सिल्वर वाला जो है, और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये रात में हमारे यहाँ बारिश हुई थी, ये खुले में हमारा पड़ा हुआ था जिससे कि इसमें बारिश के छींटे पड़े हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये ख़राब नहीं हुआ है, ये बिल्कुल फ्रेश है क्योंकि जब बारिश हुई थी तो ये बिल्कुल सूख चुका था। अगली वीडियो आपको कंपाउंड पर मिलेगी कि इस पर कंपाउंड कैसे किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।